नमस्कार, आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। श्री दीपक चट्टराज सीईओ ने आरएसपी के वेस्ट टू वेल्थ पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा, प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग से उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा को कम करने में मदद मिल सकती है। और रिपेयर शॉप इलेक्ट्रिकल विभाग में दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार प्रदान। अब समाचार विस्तार से। 27 फरवरी 2021 को अपशिष्ट से लक्ष्मी इस्पात संयंत्र के ठोस अपशिष्ट का प्रभावी उपयोग पर आयोजित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री दीपक चट्टराज ने कहा, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग उत्पन्न कचरे की मात्रा को कम करने में मदद कर सकती है। आइए ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए आगे प्रयास करें, जो प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में एक समान गिरावट को प्राप्त करने में मदद करेगा और इस तरह उन्हें आने वाली पीढ़ी के लिए संरक्षित रखेगा। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सौजन्य से इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में श्री दीपक चट्टराज मुख्य अतिथि थे। उद्घाटन सत्र में कार्यपालक निदेशक परियोजना एवं कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री पंकज कुमार तथा निदेशक NIT राउरकेला डॉक्टर अनिमेश विश्वास सम्मानित अतिथि थे। जिंदल स्टील वर्क्स के पूर्व उपाध्यक्ष श्री SMR प्रसाद मुख्य वक्ता थे। RSP सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कई वरिष्ठ अधिकारी तथा संगोष्ठी के प्रतिभागी उद्घाटन सत्र में उपस्थित थे। इस विषय पर आगे बताते हुए CEO ने कहा, प्रौद्योगिकी प्रेमी स्टील और प्रणाली उद्योग को ठोस, तरल और गैसीय कचरे के उपयोगी उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना है। हमें लगातार शून्य निसर्जन प्राप्त करने के लिए पुनः उपयोग की सुविधा के लिए वांछित उपचार संयंत्रों को सक्रिय करना चाहिए। श्री चट्टराज ने ई अपशिष्ट की बढ़ती दर पर भी चिंता व्यक्त की और घटकों और तत्वों को फिर से तैयार करने पर जोर दिया, जिससे कि वे एक हरित धरती के लिए उपयुक्त हो सके हैं। अपने प्रमुख संबोधन में श्री प्रसाद ने इस्पात संयंत्रों से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट के विभिन्न रूपों के बारे में विस्तार से बताया। अपशिष्ट के संभावित वाणिज्यिक प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने अपशिष्ट के अतिरिक्त मूल्य पर भी विचार विमर्श किया, जिससे लाभ में वृद्धि और उत्पादन की लागत को कम करने में मदद मिल सके। उन्होंने अपशिष्ट को धन में बदलने से संबंधित एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया, जो उन्हें लाभकारी रूप से उपयोग में लाया गया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री पंकज कुमार ने इस्पात उद्योग के चूरे, स्लैग, कीचड़ और अन्य अपशिष्टों का आसानी से उपयोग करने के लिए प्रभावी इंजीनियरिंग समाधान खोजने पर जोर दिया। डॉक्टर अनिमेश विश्वास ने अपने संबोधन में अपशिष्ट के उपयुक्त अनुप्रयोग को खोजने के लिए हर संभव वैज्ञानिक पद्धति की शोध पर जोर दिया, जो एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है। कार्यक्रम के दौरान CEO ने पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए CSIR के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर विश्वास श्री प्रसाद और डॉक्टर SK विस्वाल को सम्मानित किया। प्रारंभ में अध्यक्ष इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया राउरकेला चैप्टर और मुख्य महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन एवं विपणन श्री CR महापात्रा ने सभा का स्वागत किया। मुख्य महाप्रबंधक यूटिलिटी एंड पर्यावरण श्री आदेश सरकार ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। उप प्रबंधक CP2 सुश्री अंकिता बुलिंग ने कार्यक्रम का संचालन किया। सेल RSP के रिपेयर शॉप इलेक्ट्रिकल विभाग में 22 फरवरी को आयोजित एक कार्यक्रम में महाप्रबंधक प्रभारी
रिपेयर शॉप इलेक्ट्रिकल श्री पी के दास ने 11 कर्मचारियों को कंपनी में 25 साल की दीर्घकालिक सेवा प्रदान करने के लिए सेवा प्रमाण पत्र प्रदान किया। कार्यक्रम का संचालन उप प्रबंधक कार्मिक श्री संजीव कुमार बेहरा द्वारा किया गया। उल्लेखनीय है कि अधिकारियों सहित लगभग 900 कर्मचारी जो 31 दिसंबर 2020 तक 25 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, पिछले साल की तरह दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार प्राप्त करेंगे। यह पुरस्कार हर साल प्रदान किया जाता है। कंपनी उनके योगदान के मान्यता स्वरूप प्रशस्ति पत्र और प्रतीक उपहार के रूप में एक स्टेनलेस स्टील का डिनर सेट प्रदान करता है। अंत में हम अपने दर्शकों को देश में कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या के बारे में स्मरण दिलाना चाहेंगे कि हमें नियमित धुलाई या हस्त सफाई, सामाजिक शारीरिक दूरत्व बनाए रखना और बाहर जाते समय मास्क पहनना जैसे कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करके खुद को जानलेवा महामारी से बचाए रखना है। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।